हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की लिट्टी। सत्तू की लिट्टी तो आपने कई बार बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन अब यह लिट्टी आप ट्राई करिए, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार बनाना चाहेंगे इसको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह लिट्टी बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी लगती है। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने गेहूँ का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें डाल देंगे अजवाइन और मंगरेल, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, दोनों को मैंने मिक्स करके रखा है। नमक डाल देंगे, एक बार फिर सबको मिला लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, गूंद करके इसका डो तैयार कर लेंगे। डो बन गया है, इसको ढक करके एक साइड रख देते हैं सेट होने के लिए, तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है पत्ता गोभी, अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज और हरा धनिया, इन सबको बारीक काटना है। सबसे पहले पत्ता गोभी कट कर लेते हैं, ये सब साइड में रख देते हैं। पत्ता गोभी को इस तरीके से दो टुकड़ों में कर लेंगे, आधा ही चाहिए इसका, आधा पूरा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं गोभी को ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहें तो एकदम से बारीक काट सकते हैं। ये देखिए इतना बारीक सा लेना है। अगर आपको लगे कि ग्रेट करने के बाद ये इसमें ज़्यादा पानी है पत्ता गोभी में, तो आप इकट्ठा एक कपड़े में करके इसका निचोड़ के पानी निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी ना लगे तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए एक टुकड़ा गोभी मैंने पूरा ग्रेट कर लिया है, और अब प्याज लहसुन अदरक ये सब भी बारीक काट लेंगे। तो ये देखिए सब कुछ मैंने बारीक काट लिया है। अब इन सभी चीजों को एक में मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद एक बार फिर से अच्छे से मिला देंगे। अगर अभी ऐसे मिक्स करने के टाइम थोड़ा सा गीला अगर लगे आपको पत्ता गोभी का पानी, जो भी इस गोभी में उतना पानी नहीं था इसलिए मैंने इसको नहीं निचोड़ा है, तो आप यहाँ पे 2 चम्मच इसमें सत्तू भी डाल सकते हैं। भी हमारा सेट हो गया है, तो अब लिट्टी बना लेते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए थोड़ा सा डो लेंगे और छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे इसकी। Thank you.
और अब इसमें लोई में सूखा आटा लगा करके इस तरीके से कटोरी के शेप का इसको बना लेंगे। अब बीच में स्टफिंग डालेंगे और अच्छे से इसको ऊपर से पैक कर लेंगे। एक्स्ट्रा डो जो ऊपर से निकलेगा इसको हटा लेंगे। अब इस तरीके से गोल करके हल्का सा इसको प्रेस करके चपटा करेंगे, बहुत चपटा नहीं करेंगे तो एकदम फुली फुली सी गोल मटोल सी लिट्टी दिखेगी हमारी। इसी तरीके से पूरी लिट्टी बना लेंगे। लिट्टी फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो ये देखिए 3 लिट्टियां मैंने बना लिया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं, बाकी का इसके साथ साथ बना लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। लो फ्लेम पे सेकेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक लिट्टी सिक जाए। बीच बीच में फ्लेम को मीडियम भी कर देंगे तो लिट्टियां एकदम फुली फुली सी बनेंगी। को गोल्डन ब्राउन होने तक, ऊपर से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए लिट्टी हमारी एकदम अच्छे से सिक गई है, इसको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से पूरी लिट्टियां फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पूरी लिट्टियाँ मैंने फ्राई कर लिया है, पूरी लिट्टी बन गई है। देखिए कितने अच्छे से एकदम गोल गोल से बने हैं, कितने टेस्टी दिख रहे हैं। देखने में ही, खाने में ही तो टेस्टी है ही। और इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने जो रोस्टेड टमाटर की चटनी होती है उसको बनाया है, उसके साथ भी यह लिट्टी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल नई रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो अब हमारी लिट्टी बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।